थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है ये मुझे लगता है और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने मैं वॉलीबॉल चैम्पियन भी रह चुकी हूँ दो में चल चलती ट्रेन से मुझे भी बदमाशों ने एक गोल्ड चैन पहनी थी चलती ट्रेन से उसे उठा के बाहर फेंक दिया था लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था बहुत सारे लोग थे किसी ने मना नहीं किया एक प्लेयर का जो स्प्रिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है तो मेरे में भी था मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो चार पांच तो उन्होंने बाहर फेंका दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई फिर नीचे गिरी दोनों ट्रेनें निकल गईं कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था थाई को उठा के देखा मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था ब्लड फोर्स फोर निकल रहा दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे छोटे छोड़ छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा, कोई बचा ले कोई बचा कोई नहीं आया बचाने और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था इतना ही नहीं फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था कुछ लोगों को ट्रैक पे आपने ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे मेरा हाँ मैं ब्रेन कॉन्सियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे लेकिन बॉडी में कोई भी मोमेंट नहीं था पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता सुबह गांव वालों ने मुझे उठा बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है वहाँ पे हुआ था ये सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा तो फार्मासिस्ट डॉक्टर सी जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे अरे हमारे पास तो एनेस्थिसिया नहीं है ब्लड नहीं है इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे कहाँ से हिम्मत आई मुझ में मुझे भी नहीं पता मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने यह चीज़ नहीं देखी कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ जब भी मैं जब जब बोलती हूँ तब तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ उसके बाद जब बात मीडिया में आई लोगों को पता चला कि रेमा नेशनल प्लेयर है के जी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट कराया लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली जब मैंने लोगों के सामने रखा कि आ, मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई कर ट्राई करना है हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है पागल हो चुकी हो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग एक पैर आर्टिफिशियल है दूसरे में रॉड है और तुम्हारा दिमाग खराब है स्पाइन में भी फ्रैक्चर है तुम पागल होगे चुपचाप कोई नौकरी करो जीवन यापान करो क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है लोग फिजिकल देखते पैरों को मेरे मेरी अंतर आत्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था मुझे लगता है कि आज यहां पे मैं भी सुबह से देख रही हूं इतने अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी यहां पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सो आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता आप खुद जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ ये मैं एक एक पल मैंने वो परिवार मेरा बैकबोन था परिवार ने मुझे भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेज सब्मिट किया उनसे मिलते हैं वो जरूर कुछ ना करूँ कुछ ना कुछ करेंगे हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेज लगी थी मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के मैं मुझे दिमाग मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेज सब्मिट कैसे करना है फर्स्ट तुरंत गए बछिंद्री मैम के पास जब मिले मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा रुणिमा उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरू पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया अब तो सिर्फ लोगों के लिए मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा तुम कर सकती हो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी प्लानिंग भी कर ली मैम भी मिल गई सब हो गया लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं रोड हेड से मैं पहुंच गई मैडम ने कहा कि ठीक है तुम्हारे कहने तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा प्रूफ करो कि कर सकती हो मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची रोड हेड से बेस कैंप लोगों को दो मिनट लगता था मुझे तीन तीन घंटे लगते थे क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था लेकिन स्टम्प एकदम रेड रेड उसका मतलब घाव एकदम नए थे मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि आ, न, एक एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरेण तुम धीरे धीरे आओ मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है मैंने एवरेस्ट का प्लान किया मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ खुद से संकल्प लिया कि कोई कोई बात नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊँगी और आपको शायद यकीन ना हो आने वाले आठ महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैम्प से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते कर, ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे खुशी होती थी उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते मैडम खाते क्या हो बता दो पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो जब मैं एवरेस्ट के शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा लेग है, आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में रॉड बोला नहीं ले जा सकता इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी मैडम ने हमने सबने कन्वेंस किया तो किसी तरीके से मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता जब मैं Uh, हमारे ग्रुप में छे लोग थे रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी लेकिन जैसे ही मैं uh, ग्रीन और ब्लू, uh, ब्लू आइस में गई मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था फ्रंट पॉइंटिंग से जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता मेरा पैर पैर ही मूव हो जाता था शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता उन्होंने मैं जबरदस्ती मत करो मैंने कहा कुछ नहीं ये मेरा पैर मैं जानती हूँ कैसे चलेगा बात जब कैम्प थ्री के ऊपर की होती है साउथ कोल सम्मिट अच्छे अच्छे माउंटेनियर अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात जब जिसको डिसीजन मेकिंग और ये दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं रात में क्लाइंबिंग ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनरिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है जब मैं रात में निकली साउथ कोल से कैम्प फोर से मेरी हेडलाइट जिधर ही जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं एक बांग्लादेशी उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा आ मुंह से आवाज आ रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था बार बार ये पला, ये ये बार बार मन में आती इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या करें उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तब तो ठीक है अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊंगी क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है जो बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है जहां पे भी होना खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और यह सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहां तक पहुंचे हो सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था मैंने शेरपा को पहले कन्वेंस करने की कोशिश की कि भाई चल कुछ नहीं होगा भाई चल फाइनली जब वो नहीं माना मैंने एक कदम आगे बढ़ाया डिसीजन लिया कि नहीं जाना ही जाना है आगे बढ़े करीब एक से डेढ़ घंटे बाद मैं टॉप पे थी सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं लड़की दूसरे विकलांग तीसरे मिडिल क्लास में जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हो सिर्फ एक सोच की विकलांगता हैंडीकैप आदमी यहां से होता है यहां से नहीं अगर यहां से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है जो अगर यहां से विकलांग है मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी फ्लैग को हक किया और बोला फोटो खींचो बोला पागल हो गई खींच लो फोटो खींचा उसने वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले एट फोर एट की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है <laughs> और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना तो तो परेशान हो जाएगा अरे पागल हो चुकी क्या तुम मर जाए यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा आप बनाओ वीडियो किसी तरीके से मन में चार पाँच पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा एक अलग कैमरा की मतलब एक नहीं का करेगा तो दूसरा करेगा प्रॉपर प्लानिंग से शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों क्योंकि मैं चाहती थी कहीं कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया पास से मैंने यही बात बोली ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना मेरे यूथ तक चला जाएगा क्योंकि मैं चाहती थी कि ग्यारह अप्रैल दो को मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्वेंटी फर्स्ट मे टू थाउजेंड थर्टीन टें फिफ्टी फाइव पर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी ऑलमोस्ट एक से दो साल के अंदर कैसे कैसे यहां से यहां से मैंने ये चीज मैंने कभी भी कामयाब होने के मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी मेरा जुनून बन चुका था मेरा पैशन बन मेरा जिद बन चुका था वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है वो यहां से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी रेलवे ट्रैक पे सात घंटे में पड़ी थी 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसका उसके पास दो ऑक्सीजन था तो, उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेकर नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आए मुझे लगाया उसने बोला अरे तू तो बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है वाकई में ऊपर वाला भी चाहता कि तू जिंदा रहे वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीज़ों पे भी यकीन करता हो या पता नहीं नहीं भी मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते लेकिन मैं इन किसी भी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं सिर्फ बहाने सब कुछ हम में है हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है मैं एक चार एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूंगी मैं एक्चुअली मेरा आ, 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 एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक समिट करूं एशिया का एवरेस्ट हो चुका है अफ्रीका के लिबनजारो हो, हो चुका है यूरोप का एलब्रूस हो चुका है तेईस नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाइएस्ट पीक के लिए बस आप लोगों की गुड वेसेज चाहिए और चार लाइन Uh, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को अभी तो पूरा आसमान बाकी है थैंक यू सो मच थैंक यू